नमस्कार दोस्तों, लेसन नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राफिक डिजाइन के लेसन नंबर 1 में आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से ही हमें लेसन नंबर 2 बनाना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल से ग्राफिक डिजाइन सीखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका फर्स्ट इंटरफेस क्या होने वाला है, उसमें हमें कौन कौन से टूल देखने को मिलेंगे जिसके जरिए हम ग्राफिक डिजाइन सीखने वाले हैं। साथ ही साथ जिस सॉफ्टवेयर की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही फेमस और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो कि YouTube पे जितने भी YouTube क्रिएटर्स हैं, सारे क्रिएटर्स अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बनाने के लिए इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के जरिए आप YouTube का बेहतरीन से बेहतरीन थंबनेल ही नहीं बल्कि बहुत कुछ आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल द सॉफ्टवेयर स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए। इस वीडियो को इतना आसान बनाया गया है कि जो बिल्कुल भी नहीं जानता है ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, वो बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो बिल्कुल जो कुछ भी नहीं जानता है, वो इस पूरे कोर्स को देखने के बाद ग्राफिक डिज़ाइन सीख जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए आ गए अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। जिस एप्लीकेशन की हम बात करने वाले हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सालैब। जी हाँ दोस्तों, पिक्सालैब। तो सिंपली आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन किया। सो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना होगा पिक्सालैब। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पिक्सालैब। दोस्तों पिक्सालैब यहाँ पे सर्च करने के बाद पहले नंबर पे कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन दिख जाता है, जिस एप्लीकेशन को आपको कर लेना होगा डाउनलोड। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, तो आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन का। हम यहाँ से सारी परमिशंस को अलाउ कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये रहा इस एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस। तो इसको देख के आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इसमें हम एक एक चीज़ों के बारे में बड़ा विस्तार से बात करेंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से पूरा इसको चलाना सीख जाएंगे। और जिस दिन आप इसको पूरा चलाना सीख गए, उसके बाद आप इस पर बहुत कुछ बनाने वाले हैं दोस्तों। हालांकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, इस पर प्रैक्टिस भी हम बहुत सारे ढेर सारे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीच में यहाँ पे लिखा है न्यू टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप कॉर्नर में देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, तो हम इसको कर देंगे डिलीट। अब फर्स्ट इंटरफेस की हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको एक प्लस का आइकान दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? प्लस के आइकान पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कैनवास पे। जैसे कि बीच में जो आपको ये दिख रहा है स्पेस, खाली स्पेस, इसी पे हम अपने डिजाइन को करेंगे। तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लस वाला आइकान जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं, स्टिकर्स डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, या गैलरी से कोई फोटो या इमेज हम यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा जो प्लस के आइकन पे ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आगे की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिलता है शेप का। यहाँ पर आप अपनी बनाई हुई डिज़ाइन को यहाँ पर शेप कर सकते हैं, यानी कि उसका आप PNG या फिर JPG फ़ोटो निकाल सकते हैं, या फिर इस प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हैं। जो पहला नंबर है प्रोजेक्ट वाला, इस पर आप क्लिक करके अपने पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि आप बाद में उस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम कर सकें। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शेयर का। यहाँ से आप अपनी बनाई हुई डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर कॉमा सा दिख रहा है, इस पर आपको बहुत सारे कोटेशन मिल जाते हैं, यानी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। खैर इसका बहुत खास इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पे 3 बिंदी जो आपको दिख रही है कॉर्नर में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, यानी गैलरी से कोई इमेज आप जो है कि यहाँ पे ला सकते हैं, या फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी कैमरे से कोई फ़ोटो खींच करके यहाँ पर जो है कि आप डाल सकते हैं, या यहाँ से कोई इम्पोर्ट कर सकते हैं इमेज को, या इमेज साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स ऐड है, यहाँ पे ओपन PLP फाइल। दोस्तों ओपन PLP फाइल ये बहुत ही हमारे काम का चीज़ होने वाला है।
आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, जो कि यहाँ पे open.plp फाइल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नीचे जो लिखा है पिक्सालैब, इस एप्लीकेशन का नाम लिखा है, और यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन को रीडू अंडू यहाँ से कर सकते हैं। बीच में जो प्लस वाला आइकन, इससे हम कैनवास पे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो ग्रिड टाइप का बना हुआ है, खिड़की टाइप का, इस पर आप क्लिक करके जो है कि अपने डिज़ाइन में साइज, अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे अगर फिट किया हो सकता है, बढ़ती है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे ही चीज़ों को चाहिए, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा लेयर, तो हम जिस लेयर पे काम करेंगे यहाँ पे हमें लेयर को ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आगे हम इसके बारे में बड़ा अच्छे से जानेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आप देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट, दोस्तों जितने भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो सारा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे जो जिस प्रोजेक्ट को आप सेव करेंगे, तो यहाँ पे माय प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सारे प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी जिन जिन प्रोजेक्ट पे काम किया है, सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो फिलहाल उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये आपको डिफरेंट जो है कि खाली स्पेस जो आप बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको डिजाइंस मिलती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया पहले पे तो ये था, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके से जो ब्लैंक स्पेसेस है तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पहला वाला जो डिफ़ॉल्ट है इसको रहने देते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे हटा देते हैं। अब बात करते हैं नीचे, तो नीचे आपको देखिए यहाँ पे जो आप दिख रहा है ए, हालांकि उसके जो बगल में उसका कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे ई है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप जो खाली स्पेस है यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया दोस्तों न्यू टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया द सॉफ्टवेयर स्टार्ट, फिलहाल हम लिख देते हैं द सॉफ्टवेयर स्टार, हमने लिख दिया अपने चैनल का नाम और हमने ओके किया, तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को जो है कि ऐड कर सकते हैं, या डिलीट करना है तो आप टेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे और साइड में जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो पहला आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, और जो बगल में कोटेशन वाला ऑप्शन क्विट्स आप जो दिख रहा है वो मैंने ऊपर आपको बताया था, जो वहाँ पे कॉमा वाला है वहीं पे सेम चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों जो बीच में आप देख सकते हैं सर्कल टाइप बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टिकर्स, या फिर आप कोई इमेज को इम्पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर आप शेप ले सकते हैं, शेप जैसे कि आप कोई भी शेप ले सकते हैं, आप बीच में क्लिक करेंगे तो तमाम आपको शेप मिल जाएंगे, इसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ये हम अभी फर्स्ट इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम सारे टूल के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं, बेजर टूल दोस्तों बहुत ही अच्छा है, इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरो है, तो एरो के जरिए भी आप यहाँ पे बहुत सारे एरो ले सकते हैं, नीचे आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं, तो खैर इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एरो हो गया। उसके बाद दोस्तों जो बीच में आप सर्कल देख रहे हैं सबसे नीचे, उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कलर, ट्रांसपेरेंट, इमेज साइज, इमेज फ्रॉम गैलरी, कैमरास, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जैसे आपको कलर पे क्लिक करेंगे तो जो बीच में खाली स्पेस है जिस पे आप डिजाइनिंग करने वाले हैं उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया और हम चाहते हैं यहाँ पे देखिए ऊपर कलर और ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम कलर पे क्लिक करते हैं और हमें एक फ्लैट वाइट कलर चाहिए तो पूरा वाइट हो गया, आप देख सकते हैं, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक हो गया, रेड चाहिए तो रेड हो गया, तो खैर हम वाइट पे क्लिक करके यस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि पीछे कोई भी बैकग्राउंड आपका नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये भी आप जान जाएंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज साइज है, हम कोई इमेज जब इस पर डालेंगे तो इमेज की साइज पे क्लिक करके जो हमारा कैनवास है इसका हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना साइज जो है कि रखना है, ये आगे की वीडियो में जब हम डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज की बात करें तो गैलरी से कोई इमेज आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर सिंपल जो इमेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है कि और भी बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो खैर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, बैक करते हैं, और या तो आप कैमरा से कोई फ़ोटो आप खींच के डायरेक्ट यहाँ पे इस कैनवास पे ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइड में आप ब्रश टाइप का आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको और सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि रोटेशन का, या विंटेज का, या नॉइज़ का, या स्ट्रिप का, ब्राइटनेस का, कॉन्ट्रास्ट का, यानी कि आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्टेंट बढ़ा सकते हैं, व्यू, सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों यही था पिक्सालैब एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस। अब आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन एक एक टूल के बारे में बात करेंगे कि आप एक एक टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे और एक एक टूल का इस्तेमाल करके आप कितनी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए
अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, जिसमें हम और कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं लेसन नंबर 3 में, तब तक के लिए देखते रहिए द सॉफ्टवेयर स्टार यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।